नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ओकार पांडे ने बताया है कि आजमगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के निर्देश पर किसान कांग्रेस आजमगढ़ अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पवई थाना क्षेत्र के मित्तुपुर गांव पहुंचा, जहां जहरीली शराब कांड में मृत व्यक्तियों के पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात की और घटना की पूरी जानकारी प्राप्त की। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में संतोष सिंह, अध्यय प्रसाद सिंह, योगेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर अमित निगम शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवारों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कोविड की गाइडलाइन का भी पूरी तरीके से पालन किया। प्रतिनिधिमंडल को ग्रामवासियों ने घटना के बाबत बताया कि बहुत पहले से पुलिस के संरक्षण में वहां पर अवैध शराब की बिक्री हो रही थी। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई समय से नहीं की गई, जिससे इतनी बड़ी घटना हुई है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। ग्रामीणों ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि नाले के पास भारी मात्रा में ग्रामीणों ने भी शराब पकड़ा और बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बरामद शराब को अपने कब्जे में लिया। पुलिस का रवैया पूरी तरह संदिग्ध प्रतीत होता है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 20 न्यूज, आजमगढ़। कहाँ घर है आपका? है ललता के कल गए थे हम लोग, कल जो है कल हम लोग गए थे। दारू पीने से मौत हुई है ना? हाँ जी सर। कीड़ा कीड़ा काट का झरा है, वो बंगाली खुदा रहन कैसे कीड़ा काटे मारी दुनिया जानू बचाते। सही सही, सास अगर आ जाए तो कल से गारंटी ले।